अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास, कैसे बेटा, ठीक हैं आप लोग? बेटा लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3, पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी, राइट? बेटा पीरियाडिक टेबल के अंदर हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। वी वर डिस्कसिंग हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल। हिस्ट्री में बेटा हम डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन देख रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेटा डिस्कस किया डुब्राइनर्स को, देन वी हैड डिस्कस अबाउट न्यूलैंड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल को आज बेटा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडलीव। ये मेंडलीव था कौन बेटा? ही वाज अ रशियन केमिस्ट एंड इन्वेंटर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियाडिक टेबल। बेटा जो सबसे पहला जो एक बेस्ट टाइप वर्जन था, सॉरी मुझे बेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एज कंपेयर टू अदर पर्सन जो पहले प्रपोज किए गए थे उनकी निस्बत जो मोर थोड़ा सा एक्यूरेट था उनकी निस्बत, दैट वाज मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। सो व्हाट अबाउट मेंडलीव? मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट। एज यू नो रशियन लिविंग इन रशिया, ही वाज अ रशियन केमिस्ट एंड इन्वेंटर। ही वाज the creator of first version of periodic table. MCQs, who created first version of periodic table? He was Mendeleev. With the help of table, he predicted the properties of elements yet to be discovered. बेटा उस वक्त कुछ elements ऐसे भी थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे। बेटा उसने इस सिस्टमैटिक वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया कि उसने ये भी बताया था कि बेशक अभी ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, उसने बताया द एलिमेंट डिस्कवर्ड विल हैव दैट एटॉमिक मास, उसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स येट अनडिस्कवर्ड, जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी, राइट? सो अबाउट मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। अब हम बेटा उसने जो टेबल प्रपोज किया था उसकी तरफ बात कर लेते हैं। मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल, ही अरेंज्ड द नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम। कीप इन माइंड एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द टाइम्स ऑफ मेंडलीव्स। बेटा मेंडलीव्स के दौर में हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड? 63. And he arranged known elements in order of increasing atomic masses. Very important MCQs. बेटा मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को किस बेस पर अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। बेटा इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज का मतलब ये है कि उसने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज में अरेंज किया। उस रो के अंदर सबसे पहले कम एटॉमिक मास, फिर उसे हायर, फिर उसे हायर। यू कैन सी इसमें बेटा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 6, 9, 10, 12, 14 इस बेस पर एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज अरेंज किया गया। सो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज इन हॉरिजेंटल रोज। बेटा हॉरिजेंटल रोज मीन इस तरह से एटॉमिक मैसेज को इन एक्स एक्सिस उसने अरेंज किया, राइट? द एलिमेंट्स विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। बेटा सेम वर्टिकल कॉलम मीन ग्रुप। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेटा इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियाडिक टेबल, बेटा ये एक ग्रुप है, ये सेकंड है, दैट इज थर्ड, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो इसने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया, द एलिमेंट्स विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप।
वो सब के सब वो जिनको अरेंज किया गया उनके केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम थे। ये भी देखा किस तरह से बेटा ऐसे टॉक अबाउट थी फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आ गए है बेटा लिथियम सोडियम पोटाशियम राइट। इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप ऑल हैव द वैलेंसी ऑफ वन। इन सब की वैलेंसी क्या है बेटा वन है। यू कैन सी कि इनके बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप राइट। ही पुट फॉरवर्डेड रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियाडिक लॉ। मेंडलीव ने भी अपना एक पीरियाडिक लॉ बनाया था। कीप इन माइंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू पीरियाडिक लॉ बट टुडे स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ। व्हाट वाज मेंडलीव पीरियाडिक लॉ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। बेटा वही है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज करें, अगर उनको बेटा इस तरह से अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये एक ग्रुप के अंदर जब उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है जो एक ही ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज राइट। नेक्स्ट डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। बेटा हजरत के साथ ये मेंडलीव्स का पीरियाडिक टेबल भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। इसके अंदर भी डीमेरिट्स थे, इसके अंदर भी गलतियां थी, इसके अंदर फॉल्ट्स थे। व्हाट वर द डीमेरिट्स? बेटा फर्स्ट डीमेरिट तो ये था कि इसमें आइसोटोप्स को पोजीशन ठीक तरीके से नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? बेटा यू नो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। बेटा मैं कार्बन के आइसोटोप्स के हवाले से ज़रा बात कर लेता हूँ। यार हम कैन सी बेटा ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब बेटा एलिमेंट एक है, उसके मैसेज डिफरेंट है, तो फिर किस तरह से इसको अरेंज किया जाए? तो फिर बेटा इट मीन कार्बन को 3 टाइम लिखना होगा, पहले 12, 13, 14 की प्लेस में। बट ऐसा करने से जो पीरियडिक टेबल है इट विल बिकम डी फॉर्म। ये जो एक ही ग्रुप के अंदर वो आने वाली प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज थी वो बेटा क्या हो जाएंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल वाज हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। दोज एलिमेंट्स विच हैव आइसोटोप्स उनको बेटा अरेंज करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर तो देखें बेटा उसने कार्बन को जस्ट वन टाइम लिखा हुआ है, इसको तो फिर अगर इफ वी अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये तो मिस्टेक है, दैट वाज डीमेरिट। एंड अदर डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल वाज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। रॉन्ग ऑर्डर था बेटा, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। बेटा ऐसे अरेंज किया गया ना कि सबसे कम एटॉमिक मैस वाला फिर उससे हायर फिर उससे हायर। इफ वी सी इन द पीरियडिक टेबल इफ आई कंपेयर द पोजीशन ऑफ पोटाशियम एंड आर्गन, यू नो द पोटाशियम हैज एटॉमिक मैस 39 एंड आर्गन हैज पोटाशियम मैस एटॉमिक मैस 40। बेटा पोटाशियम का एटॉमिक मैस 39 आर्गन का 40 होता है, होना तो यूं चाहिए बेटा पोटाशियम शुड कम फर्स्ट देन आर्गन शुड कम, यानी पहले 39 वाला देन 40 वाला। बट यहां पर आप देख सकते हैं पोटाशियम के बाद बेटा उसने कैल्शियम दिया हुआ है, नो डाउट कैल्शियम हैज आल्सो एटॉमिक मैस 40। तो इस वजह से बेटा होना तो ऐसे चाहिए कि कैल्शियम के बाद 39 के बाद 40 आना चाहिए, आर्गन वहां आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। देयरफॉर देयर वाज डीमेरिट्स इन द मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो इस बेटा इस अगर मेंडलीव्स के पीरियडिक टेबल को अगर हम देखें, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज दे कैन नॉट सर्व एज द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स।
तो इस तरह से बेटा एलिमेंट्स को अरेंज करने के ये बेस नहीं बन सकते, क्यों? इसमें तो बेटा मिस्टेक्स आ जाती हैं। अभी जैसे मैंने कहा है कि कार्बन 12, 13, 14 आना चाहिए था, पोटाशियम के बाद कैल्शियम आर्गन आना चाहिए था, तो ये बेटा इसके क्या थे? डीमेरिट्स थे, राइट? दैट वॉज ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। नेक्स्ट बेटा हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, पीरियाडिक लॉ, व्हाट इज पीरियाडिक लॉ। बस बेटा मॉडर्न पीरियाडिक लॉ ये कहता है एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बेटा बिल्कुल बेस्ट मेथड है, जो बेटा हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो इसी बेस पर ही बनाया गया है। अब इसका बेटा फायदा क्या होगा? बिकॉज इसमें कोई मिस्टेक्स के चांसेस नहीं है। व्हाई देयर आर नो चांसेस ऑफ मिस्टेक? बिकॉज एटॉमिक नंबर जो होता है वो हर एलिमेंट का फिक्स होता है। बेटा देखें, किसी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास तो हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होता। ईच एलिमेंट हैज अ फिक्स्ड एटॉमिक नंबर एंड इट डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। इस वजह से इसमें बेटा देखें, ये जो कार्बन वाला एटॉमिक मास वाला केस था, इसमें नो डाउट ये इसके आइसोटोप 6 हैं, बट दे हैव इसके आइसोटोप 3 हैं। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, बट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। इट मींस इफ वी अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा बेटा? कार्बन विल कम ओनली वन टाइम, क्योंकि उसका हमने एटॉमिक नंबर की बेस पर, उसका एटॉमिक नंबर तो एक ही है, बट एटॉमिक मैसेज में इशू था, क्या उनके मैसेज जब डिफरेंट थे उनको डिफरेंट प्लेसेस पर आना चाहिए था, राइट? सो व्हाट इज मॉडर्न पीरियाडिक लॉ? मॉडर्न पीरियाडिक लॉ वाज एमेंडेड एज, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में मॉडर्न पीरियाडिक लॉ क्या कहता है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, राइट? नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। नो डाउट देखिए बेटा, मॉडर्न जो पीरियाडिक लॉ किस बेस पर किया गया है? एटॉमिक नंबर्स पर बेस किया गया है। सो वी शुड नो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता क्या है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको डिस्कवर किया था? द एच मोजले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर इन 1913 एच मोजले डिस्कवर अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मींस एटॉमिक नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे पहले एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने वाला कौन था? दैट वाज एच मोजले, राइट? नेक्स्ट, अब एटॉमिक नंबर उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ स्पेसिफिक वे। एलिमेंट्स एक बेटा क्या होते हैं? इन सर अरेंज करने से एलिमेंट्स एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो सकते हैं। सो ही ऑब्जर्व्ड दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल। बेटा वो जो पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स थे, जो कि देखें इशू बना था मेंडलीव के उस पीरियाडिक टेबल के अंदर, कि कोई एलिमेंट अपनी फिक्स पोजीशन पर नहीं आ रहे थे, बट इफ वी अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दे कैन बी, देयर पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड, राइट? सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये होता क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जो न्यूट्रल एटम होता है, कोई भी अगर हम किसी एटम के हवाले से बात करें, एन एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेसिकली बेटा उसके पार्टिकल ये होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। ये बेटा क्या होते हैं? शेल्स के अंदर होते हैं।
तो सर यहाँ पर एक थोड़ा सा आप क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे कि सर आप ये कैसे कह रहे हैं, हमने तो कुछ क्लासेस में ये पढ़ा है एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। सर हमने प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा है, आज आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इस हवाले से क्या इशू है? बेटा कोई इशू नहीं है, यू नो इन अ न्यूट्रल एटम किसी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कहूँ नो प्रॉब्लम, प्रोटॉन्स की तादाद कहूँ नो प्रॉब्लम। इन दिस वे बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, राइट? सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, राइट? नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। वैसे इस एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस क्या थी? बेटा मैं कहता हूँ इस एटॉमिक, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज करना बहुत आसान हो गया था। देखिए बेटा पहले जो जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़े थे फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोब्राइनर्स का भी ठीक नहीं था, न्यूलैंड्स का भी ठीक नहीं था, मेंडलीव्स का भी ठीक नहीं था, बिकॉज ऑल दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मैसेज। बट और एटॉमिक मैसेज में इशू आ रहा था, सम एलिमेंट्स हैव मोर देन वन एटॉमिक मैस, उनके पोजीशन ठीक तरह से नहीं आ रही थी। बट एटॉमिक नंबर, यू नो ऑल द एलिमेंट्स हैव अ फिक्स्ड एटॉमिक नंबर एंड ईच एलिमेंट डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट बाय वन। यानी कोई भी एलिमेंट दुनिया में इस वक्त ऐसा नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो पोजीशन वाला तो अब इशू ही नहीं बनता कि एक ही पोजीशन पर वो बार बार आएंगे। सो राइट, सो सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या थी इस एटॉमिक नंबर की? द एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, बिकॉज बेटा एटॉमिक मास की निस्बत एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है एंड इट इंक्रीजेज रेगुलरली बाय वन फ्रॉम अदर एलिमेंट। ये क्या होता है, दूसरे एलिमेंट से क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सपोज लाइक पोटाशियम का 9 है तो आर्गोन का 40 था, इट डिफर फ्रॉम 1। एन अदर सिग्निफिकेंस, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दुनिया में कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मैसेज सेम हो जाते थे बट एटॉमिक नंबर जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर, लास्ट चैप्टर में हम ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरह से हम करते हैं, सपोज इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ये बेटा जो किसी भी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते थे, नो डाउट इट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बेटा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी आप लोगों ने 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सो द इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यूज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट वाज All about Mendeleev's periodic table and modern periodic law. If you have any question, you can. Right? Okay, beta, thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.